इसमें ये लगाया हमने एक इस पे जिस पे रुकेगा। अब अगर शेर पे रुका तो हमारे को मिलेंगे 1000 के 3000, अगर ये लगा तो 1000 के मिलेंगे। शेर आया एक आपका गुजी है, एक ये है एक ये है। चलो जी गेम जीत गए। हाँ जी यार, तो खाना वगैरह खाने के बाद हमार को मेरे, अब मैं आपको एक मैसेज और देना चाहूँगा बड़ा इम्पोर्टेंट, कि जो भाई भी लाउस के पक्से शहर में आके फिर रहता है घूमने के लिए, और उसको आगे अगर वियतनाम जाना है तो वियतनाम जाने के लिए वो क्या करेगा मेरे भाई, ये रही वियतनाम की एम्बेसी, मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ और जो उनसे गेट से एंट्री में जाना है वहाँ से, ये है पक्से के अंदर लाउस में, पक्से वियतनाम के नियरेस्ट बॉर्डर, उसकी पास वियतनाम की एम्बेसी, सबसे नियरेस्ट एम्बेसी मेरे भाई यही है, उसके अलावा कोई एम्बेसी इधर नहीं है। ठीक है जी, ये वाला इसका गेट है एम्बेसी का। ठीक है जी, यहाँ से आपकी एंट्री होगी और डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, जो टाइमिंग होंगे मॉर्निंग 8:30 से 11:30 और आफ्टरनून 1:30 से लेके 4:30। 4:30 के अंदर अंदर इन्होंने आपको आपका रिजल्ट दे देना है वीज़े का, क्या अपडेट है क्या नहीं। तो मेरे भाई जो भी आए इधर, यहाँ से आके अपना वीज़ा अप्लाई करे वियतनाम का, और वियतनाम से जाके जो भाई भी साउथ कोरिया जाना चाहता है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा वियतनाम जाके वो साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करे, 95% चांस है उसको साउथ कोरिया का वीज़ा मिल जाएगा, बस पेपर उसके पक्के होने चाहिए। ये मत सोचना कि पेपर कुछ नहीं लगने, पेपर वही लगने हैं सारे जो आपके इंडिया में लगने हैं, ITR, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो सारा कुछ वही लगेगा, बट डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपना मेरे भाई सारे काम अच्छे करने हैं। ये पीछे वियतनाम की एम्बेसी है, यहाँ पे आना है हमारे को कल सुबह 8:30 बजे 8:30 आ जाएंगे, वीज़ा अपने अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि एम्बेसी क्या रिजल्ट देती है क्या नहीं देती। तो ये आ गई रोड, और ये है मनी एक्सचेंज, ये है फ्यूल स्टेशन, बाकी रोड्स तो यार बहुत बढ़िया है। तो यार इधर हम रुके थे, सनसेट देखो यार, इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है सामने, एक तरफ डूब रहा है एक तरफ निकल रहा है, हर जगह यार आपको लाओ में ना हर जगह छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिल ही जाएंगे, और सनसेट वेदर और बारिश ये आपको हर जगह ही लाउस में, वो देखो सामने कहने को है मेरे कि ये गरीब शहर है, कहने को है कि यहाँ पे इतना पैसा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, इनकी करेंसी के हिसाब से इनके पास उस हिसाब से उतना पैसा है, जिस हिसाब से हम इंडियंस के पास लैक्स होते हैं मिलियंस होते हैं बिलियंस होते हैं, उसी हिसाब से इनके पास इनकी कंट्री का पैसा है, बट ये कंट्रियाँ ना साफ सुथरी बहुत है यार, इनकी कंट्री की ये इनकी कंट्री के जो लोग हैं ना वो ही अपनी कंट्री को इतना साफ रखते हैं कि गंद होने ही नहीं देते, ये क्वालिटी है इनकी कंट्रियों की। यहाँ पे यार स्कूटी लगा के देखते हैं इसके पार कैसा व्यू दिखता है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसके पार वही यार नदी टाइप ही है जहाँ पे हम लोग गए थे, बट बहुत प्यारा व्यू है यार।
तो यहाँ पे लोग वॉक करते हैं रोज शाम को। देखो यार कितना बढ़िया इनके लिए बनाया हुआ है, रनिंग के लिए, वॉक के लिए। और नीचे इनकी ये झील जा रही है, जिन्होंने नीचे बैठना है नीचे बैठे। आज हम लोग गए थे उस ब्रिज से घूमते घूमते इस ले में आ जाए, इस एरिया के अंदर हम लोग आ गए थे। वो सामने गोल्डन बुद्ध की मूर्ति के वहाँ गए थे। यहाँ पे ना एक गेम हो रही है, गेम है ये। सारे अपने अपने पैसे लगाएंगे और बकेट घुमाएंगे, बकेट घुमा के जिसका जिसकी एनिमल के ऊपर उन्होंने लगाया, अगर वो एनिमल उस बकेट में आया तो वो उनको पैसे मिलेंगे। पापा ने भी एक्सचेंज कराए हैं 20,000 के, 7,500 के। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। जैसे ये बकेट खोलेगी सबने अपने अपने नोट लगा दिए हैं। क्या आया आई है, सारे पैसे इसके हो गए। अब देखो जैसे इसने लगाया इसके दो के ऊपर, जैसे इसने लगाया इसके और दो के दो। ये मार रही है शॉट्स, तो शॉट्स मारने पे जीतने पे टेडी बियर मिलेगा। अगर कंटिन्यूसली हमने कोई टेडी खट्टे बैलून फाड़ दिए तो ये वाली गेम है तो बहुत ज़्यादा है यार। यार मैंने लगाया इस पे कछुए पे और शेर पे। रुक जाओ, लेके उठेंगे, लेके उठेंगे भाई। इसमें ये लगाया हमने एक इस पे जिस पे रुकेगा। अब अगर शेर पे रुका तो हमारे को मिलेंगे 1,000 के, 3,000। अगर ये लगा तो 1,000 के मिलेंगे। शेर आया ना, एक अपना कुछ ही है। चलो जी ये हम जीत गए। ₹20,000 लगाते हैं एक जीतेंगे जीतेंगे, नहीं तो चलते हैं शेर पे लगा देते हैं। शेर पे ना कुकर पे लगा दिए ना, कुजी लगा दे, कुजी ले। बाबा बाबा 1, 2, 3 जी। कितने तीन के दो ही मिलेंगे हमारे को। तीन के तीन ही वापस, तीन के तीन ही वापस। एक अपने हाथ से लगाओ, ये बीच में रुक, बीच में रखते हैं लोग। हमने किस पे लगाया है, किस पे लगाया है, एक इस पे लगाया है। गेम रुकने के क्या फर्क लगा, एक दो तीन कुकड़ आएगा, फुकड़ आएगा।
हमारी ये वाली आ जाए सीधा 20,000 मिलेगा हमारे को। हमारी बाबा चलो चलो हो खत्म हो गया। चलो जी गेम हुई खत्म। 3,000 मार गए। ये शेक ले रहा हूँ, ये है 7,000 रुपये का, 7,000 पीस का। इसमें से इन्होंने ये इसके अंदर डाला है, ये डाला है और वो चॉकलेट शेक डाला है। बर्फ यार ये लोग भर भर के डालते हैं। ये कोकोबा, कोकोबा ओके थैंक यू सो मच कोकोबा कोकोबा। तो यार ये शेक का नाम है कोकोबा, चॉकलेट का शेक है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद है यार।